यह खबर बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल और महिला कांग्रेस की महासचिव प्रियंका अग्रवाल ने बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में जनसंपर्क करने के बाद सभी को किया संबोधित। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मनोज अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि जब आटा दाल चावल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहा तो रोटी जनता की थाली से गायब हो जाएगी और गरीबों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज देश प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और इनकी सबसे ज्यादा आवाज कुमारी शैलजा उठा रही हैं। हम स्कूल की बात करें, हम इलाज की बात करें, आज हम जगह जगह ऊंचे गांव में चल रहे हैं तो हर घर की एक ही समस्या दिखाई देती है, जरा सी बरसात के अंदर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। युवा साथी तो हमारे जैसे मर्जी निकल जाते हैं, माताएं कैसे निकले, हमारी बहनें किस तरह, बच्चे किस तरह बाहर निकले। तो 10 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने आपको छल्ले का काम किया है। ये लोग दोबारा आपके बीच में आने वाले हैं और अब क्यों नई नई चीजें लेके आएंगे, फिर नए नए झूठ के पुलंदे बनाएंगे आप लोगों के बीच में। अभी देखा ना, इन लोगों ने परिवार पहचान पत्र जो बनाया, आप लोग ही बनाए होंगे, वो परिवार पहचान पत्र क्या है, परमानेंट परेशानी पत्र बना के रख दिया। लोगों के राशन बंद हो गए, हमारी माताओं की पेंशन बंद हो गई, हमारे बुजुर्गों की